अस्सलाम वालेकुम, दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं रहमान अजहर। सबसे पहले हेडलाइन, जंग जेल में मोबाइल फोन और मुनशियात का आजादाना इस्तेमाल, कैदियों की भत्ताखोरी का भी इंकशाफ। दुनिया न्यूज ने जेलों की सख्त सिक्योरिटी के दावों की कलई खोल दी। वजीर जेल खानाजात पंजाब अब्दुल वहीद का कहना है कि जंग के जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ कार्रवाई होगी, जबकि आईजी जेल खानाजात फारूक नजीर जेल सुपरिटेंडेंट को बचाते रहे। सिक्योरिटी खदशात के बायस सेंट्रल जेल कराची के इतराफ में चौकियां कायम करने का फैसला, करीबी रहायशियों के कवायफ भी तलब। कराची में दूसरे रोज भी बारिश का पानी ना निकाला जा सका, 30% हिस्सा अभी तक बिजली से महरूम। लांडी में मुश्तिल अफराद का केईएसटी के दफ्तर पर धावा, सामान को आग लगा दी। एमकेएम ने सिंध में फौरी बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। सिंध हुकूमत का साबिक बल्दियाती इदारों के 10 साल के ऑडिट करने का फैसला। इमरान खान कहते हैं अदलिया की तौहीन नहीं की, मुआफी के इस्बात की मांगे। यहूदी एजेंट कहने पर मौलाना फजलुर रहमान को अदालत ले जाने का ऐलान। भारतीय फौज ने वादी नीलम के करीब कंट्रोल लाइन अबूर करके 4 पाकिस्तानी शहरियों को अगवा कर लिया। और जापानियों का गर्मी से बचने का मुनफरिद तरीका, हजारों खवातीन सड़कों पर पानी फेंककर ठंडा करती रहीं।